16 लाख प्लस इसका प्राइस, 16 लाख की मशीन है ये, प्लस प्राइस है। क्या बात कर रहे हैं भैया। दोस्तों ये जो आप मशीन देख रहे हैं ये आपको बड़ी ही मामूली सी लग रही होगी, लेकिन ये मशीन बहुत ही कमाल की है। अगर हम बात करें तो ये मशीन हमारे प्रोडक्शन को 500 गुना तक बढ़ा सकती है, क्योंकि यहाँ पर ये जो आप लेदर बॉल देख रहे हैं इसकी आउटर स्टिचिंग की जाती है इससे, और ये मात्र 2 से 5 सेकंड में कर देती है। लेकिन पहले जो होता था वो 45 से 50 मिनट तक लग जाते थे इसको स्टिच करने में। दोस्तों हमारे साथ मौजूद है हर्ष जी, जो हमको इस मशीन के बारे में बताएंगे कि ये किस तरीके से काम करती है और ये कहाँ से लाई गई है। जी भैया बताइए। बेसिकली ये मशीन जो है ये USA मेड मशीन है। अच्छा, USA से इम्पोर्ट कराई मशीन है जी। ये बॉल की आउटर स्टिचिंग को जी स्टिच करने में हेल्प करती है जी। जैसे कि आपने अभी बताया था कि एक बॉल को सिलने में पहले 40 से 45 मिनट लगते थे, अब 4 से 5 सेकंड में एक बॉल को सिल लेती है। अच्छा, प्रोडक्शन बढ़ता है इससे, प्रोडक्शन की क्वांटिटी काफी हो जाती है। मतलब कि इस मशीन ने फिर आपके जो बिजनेस को तो बहुत ज्यादा ग्रो किया होगा, क्योंकि टाइम की बचत तो काफी ज्यादा हो जाती है। जहाँ 45 मिनट लगते थे वहाँ मात्र 5 सेकंड में स्टिच कर देती है। करीबन पहले मेरे पास 25 to 30 बंदे थे जो स्टिचिंग करते थे पूरे दिन में, हाथ से 300 से 350 बॉल से। एक दिन में इसमें कितने बॉल में स्टिचिंग हो जाती होगी? 1000 plus, इतना बड़ा पैमाना है। अच्छा भैया ये बताइए कि लेदर तो बहुत हार्ड होता है, तो जो नॉर्मल नीडल्स होती हैं वो आयरन की होती हैं पतली सी, तो वो नीडल इसमें टूट नहीं जाती है? नहीं, ये स्टील की है। अच्छा, की है, मतलब कि काफ़ी वो पावरफुल नीडल होती होगी जी। कंपनी के ब्रांडेड है। अच्छा, ये इंपोर्ट अच्छा। करी जाती है, अगर ये भी खत्म हो जाती है, इश्यूज आते हैं या कुछ प्रॉब्लम होती है, ये नीडल्स में हम लोग इंपोर्ट करते हैं जी जी। तो अच्छा ये जो नीडल है तो ये भी क्या है, इंपोर्टेड नीडल आती है? सब इंपोर्टेड नीडल। अच्छा, यहाँ भारत में इसका सब पार्ट जितने भी सब लगे सारे इंपोर्टेड जी। बहुत बढ़िया बात है। अच्छा भैया ये बताइए कि मशीन चलते चलते खराब भी होती होगी? हाँ जी, काफी परेशानियां आती होंगी। हाँ। तो इसको सुधारने के लिए यहीं के बंदे काम आ जाते हैं या मतलब कोई बाहर से बुलाना पड़ता है? इसकी कंपनी को मेल की जाती है। अच्छा, मेल अच्छा। करने के बाद वहाँ से फिर उनका जो जो उनके ऑफिस बने हुए यहाँ पर, अच्छा, अच्छा। है, वहाँ से बंदा 4 से 5 दिन के बाद। 4 से 5 दिन, तो जब ये 4 से 5 दिन मशीन बंद रहती है तो उस टाइम पे आपका प्रोडक्शन में काफी फर्क आता होगा? बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क जी। अच्छा भैया ये बताइए कि मशीन तो हमें काफी यूनिक सी और बहुत बड़ी दिख रही है, देख के अच्छा भी लग रहा है, तो ये इसका प्राइस और कॉस्ट कितनी होगी? देखिए आज के टाइम पर जो आज की इसका प्राइस है, अगर आप इंपोर्ट कराते हैं तो अराउंड 16 लाख प्लस इसका प्राइस। 16 लाख की मशीन है ये, प्लस प्राइस है। क्या बात कर रहे हैं भैया। दोस्तों आप देख सकते हैं कि भैया ने यहाँ पर 2 मशीनें लगाई हुई है, एक ये और एक ये, तो ये वाली मशीन भी सेम है? सेम है, अंडर प्रोसेस है इसका। अच्छा अच्छा, हाँ मतलब कि अभी इसमें कुछ लगाना बाकी रह गया जैसे कि, तो ये दोनों 32 लाख की मशीनें हैं। भैया ये बताइए कि मशीन रन कैसे करती है? ये मोटर के थ्रू ये मशीन रन की जाती है। अच्छा अच्छा, मोटर लगी है देखिए इसके नीचे जी, ये बेल्ट है, बेल्ट जब मोटर चलती है तो फिर ये चलती है पूरी। अच्छा, जो ये वाली जो बेल्ट है ये किसकी है? लेदर की है? लेदर की बेल्ट है। अच्छा, और बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है या इन्वर्टर से? दो, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, अगर इलेक्ट्रिसिटी का भी कोई इशू आता है तो इन्वर्टर से भी चलती है। इन्वर्टर से इतनी बड़ी मशीन चल जाती है? हाँ जी हाँ जी। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है भैया। मशीन तो हमको बहुत ही मजेदार लग रही है, अब इसके बारे में हमको कुछ और नॉलेज दीजिए। जी जी, देखिए बेसिकली जो मशीन रन करती है इसके अंदर 2 पेडल्स देख रहे होंगे आप जी नीचे, एक एक्सीलेटर है। अच्छा अच्छा, और एक हमारा ये प्रेसिंग का जो होता है, हम जब इसको प्रेस करते हैं तो ये देखिए आप ऊपर जा रहा है। अच्छा। जाने के बाद लेदर को पीस को हम लोग यहाँ पर पुश करते हैं जी। फिर गेज में आता है, गेज के बाद हम लोग एक्सीलेटर दबा के इसको स्टिच करते हैं जी। मतलब इसके बाद ये इस तरीके से स्टिच हो जाती है, ये इस वाली बॉल की तरीके इस तरीके से जी। तो दोस्तों अगर आपको ये मशीन पसंद आई हो, बहुत ही अमेजिंग लगी हो, तो हमको शेयर करके कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को हम यहीं पर करते हैं समाप्त, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।